हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्लास 12, 10, 9, 11 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा, फिर अलंकार के भेद, फिर एक एक करके उनके भेदों को पढ़ेंगे। तो अलंकार की परिभाषा, अलंकार अलंकार मीन्स होता है आभूषण, अर्थात जो वस्तुओं की शोभा बढ़ाए उसे हम लोग कहते हैं आभूषण। और जो काव्य की शोभा बढ़ाए हम लोग उसे कहते हैं अलंकार, अर्थात जो वस्तुओं की शोभा बढ़ाए उसे हम लोग कहते हैं आभूषण, यानी कि जो हमारी शोभा बढ़ाए उसे कहते हैं आभूषण, और जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे कहते हैं अलंकार। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य दंडी ने कहा है कि अलंकार अर्थात काव्य की शोभा, यानी कि शोभा कारक पदार्थ को ही अलंकार कहते हैं। अब आइए इसके भेद में। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो हमें शब्दालंकार अर्थात शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जो लयात्मकता एवं संगीतमकता उपस्थित होती है, अर्थात शब्द में जो लय तुक ताल आदि उत्पन्न होता है, तो ये वर्णगत होता है, अर्थात शब्दालंकार कहलाता है। जो शब्द में आकर्षण ला दे या जो शब्द में मनमोहकता ला दे उसे ही शब्दालंकार कहते हैं, जिसमें हमारा पहला आ जाएगा अनुप्रास, दूसरा आ जाएगा आपका यमक, तीसरा आ जाएगा आपका श्लेष आदि। अर्थालंकार अर्थात जो उसके अर्थ में चमत्कृत या अलंकृत करने वाला स्वरूप प्रदान करे वही अर्थालंकार होता है। अलंकार इसके भी तीन होते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। मेन हमें यही तीन पढ़ने होते तो और हैं, अतिशयोक्ति होता है, दृष्टांत होता है, मानवीकरण उपन्यास हो तो अलंकार होता है, लेकिन हमें मेन रूप से आज मैं आपको यही तीन ही पढ़ाऊंगा। तो पहला हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, अर्थात जब अनुप्रास वर्णी रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग हुआ हो, बार बार प्रयोग हो, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद हैं, इसके लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो हमें मेन रूप से वो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ही पूछता है, तो हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और इसका उदाहरण पूछता है। तो उदाहरण इसके बहुत सारे हैं, पहला उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में,
दूसरा आप उदाहरण एक ले सकते हैं कि पूत कपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय, पूत सपूत तुका धन संचय। अर्थात अगर पूत कपूत है तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत है तो क्यों धन संचय, वो खुद बना लेगा, और अगर कपूत है तो सब मिट्टी मिला देगा। ये आपका लाटा अनुप्रास का भी उदाहरण है और अनुप्रास का भी उदाहरण है। दूसरे में हमारे आते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार भी शब्द अलंकार के अंदर आता है। यमक का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, जिसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति होती है उसे यमक अलंकार कहते हैं, जिसमें सॉरी दोस्तों दो अर्थ के साथ एक शब्द आएगा उसमें आपको यमक अलंकार पहचान लेना है। देखिए किताब में जो लिखा वो अलग है, क्योंकि मैं किताब के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। यमक अलंकार में एक ऐसा शब्द युग्म आएगा जिसके भिन्न भिन्न अर्थ होंगे, एक अर्थ अलग होगा एक अर्थ अलग होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए वा पाए बौराए। यहाँ पर देखिए कनक कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा धतूरा, अर्थात धतूरा खाने से आदमी बौरा जाता है और सोना पाने से भी आदमी बौरा जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए वा पाए बौराए। अब हमारा तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, इसमें आपको एक श्लेष का अर्थ होता है मतलब चिपका हुआ, जिसमें एक शब्द आएगा और उसके अनेक अर्थ होंगे, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। दोस्तों माफ़ करना क्योंकि राइटिंग इसमें मेरी ज़्यादा बन नहीं रही, आप समझ जाएं, वैसे मैं बना के लिख रहा हूँ फिर भी मेरी राइटिंग बन नहीं रही तो कृपया माफ़ कीजिए। बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए इसमें पानी शब्द दो बार आया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, तीन बार आया है। जिसमें पानी का अर्थ, जिसमें पानी का अर्थ तीन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी पानी गए न, मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के अलग है, चून के अलग। मोती के लिए
पानी का अर्थ है अमृत, यानी कि जो मोती सीप में ही मोती बनती है, तो उसका मोती का अर्थ होता है उसकी चमक, पानी मतलब मोती की चमक। और मानुष के लिए पानी का अर्थ है यानी कि शर्म, जैसे कहते हैं ना तुम्हारी आँखों का पानी मर गया है, यानी कि अब तुम एकदम बेशरम हो गए हो। तो इस पानी का अर्थ मानुष के लिए ये है, और चूना के लिए एक नॉर्मल पानी है, तो तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। चरण धरत चिंता करत, चितबहु चारिहु ओर। सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। अर्थात चरण धरत चिंता करत चितवहु चारु ओर। सुवर्ण को, यानी कि यहाँ सुवर्ण है, और ये सुवर्ण का अर्थ अलग अलग है। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ अलग है, व्यभिचारी अर्थात हमेशा काम रत रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए स्वर्ण का अर्थ अलग है, और चोर के लिए स्वर्ण का अर्थ अलग है। कवि के लिए स्वर्ण में सुंदर अक्षर हो जाएगा अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग यानी कि सुंदर स्त्री, और चोर के लिए हो जाएगा आपका स्वर्ण में सोना। तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। यह हम दूसरा एक और उदाहरण ले रहे हैं, छोटा सा उदाहरण, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा के दोनों घटा के अलग अलग अर्थ हैं। एक घटा मीन्स है बादल वाली घटा, जब बादल आते हैं तब काली घटा छाई रहती है, और एक घटा का अर्थ है कम होना, यानी कि काली घटा का घमंड घटा। चलिए अब हम आते हैं अपने अर्थालंकार में। अर्थालंकार आप भी तीन होते हैं, तो इसमें पहला है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है उसमें समान धर्म को लेकर तुलना की जाती है, समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसमें समान धर्म के आधार पर ही आप पहचान जाएं, या उसमें दो वस्तुओं की खुद समानता होगी किसी एक विशेष धर्म के आधार पर। तो इसमें हम धर्म का मतलब आप उसके गुण और दोष से लीजिए। मुख मयंक सममंजु मनोहर, हरिपद कोमल कमल से, मुख मयंक यानी कि चेहरा सुंदर है, मयंक मीन्स चंद्रमा के समान चेहरा सुंदर है, हरिपद कोमल कमल से यानी कि भगवान के पैर कोमल हैं कमल से भी,
यानी कि यहाँ पर कोमल कमल भी कोमल है और हरिपद भी कोमल है, इसलिए यहाँ पर समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की गई है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ होता है एक रूपता, अर्थात जब भेद रहित आरोप हो, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये संभव नहीं है, यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें कभी भेद रहित आरोप लगाया जाता है, कभी का जो मन होता। चरण कमल उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ, चरण कमल बंदो हरी राई, अर्थात यहाँ चरण की तुलना कमल से की गई है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार हो, यहाँ भेद रहित आरोप होता है, यहाँ अत्यधिक समानता को प्रोटेक्ट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा की सबसे महत्वपूर्ण पहचान, इसके कुछ शब्द हैं, मनुमानः जनजानः। जैसे शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय अर्थात प्रस्तुत में, उपमान अर्थात अप्रस्तुत की संभावना भी यहाँ पर व्यक्त की जाती है। इसका मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सोहत ओढ़े पीठ पत्तो पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मन सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पर आप देखिए, मनह मनमानह जन जानह मनह, अर्थात यहाँ पर मनह शब्द आया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहाँ संभावना भी व्यक्त की जा रही है। सोहत ओढ़े पीठ पत, अर्थात श्री कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, पीठ पत मीन्स पीले वस्त्र धारण कीजिए करने के बाद। मनह ऐसा लग रहा है, नीलमणि शैल पर यानी कि नीलमणि पहाड़ पर, आतप पर्यो प्रभात यानी कि पीले पीले सूर्य जब निकलते हैं, और नीला रंग श्याम जी का भी था यानी कि श्री कृष्ण का भी रंग नीला था, और नीलमणि शैल का रंग भी नीला है, और उन्होंने भी पीले वस्त्र धारण किए थे, और सूर्य भी जब सुप्रभात होती है, जब प्रभात होती है तब पीले कलर का ही प्रकाश होता है। अतः जब श्री कृष्ण मतलब कपड़े पहन के आए पीले रंग के, तब उनकी शरीर नीली और कपड़े पीले, तो ऐसा लग रहा था मानो नीलमन शैल पर आते प्रभात मतलब सवेरा हो गया है। मन मानो जन जानो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।